Now we will see what are the strategic role of UNICEF to implement synchronized programming that contributes to the elimination of violence against young children. अब जो UNICEF का line of action है, जो उनकी strategies हैं कि कैसे बच्चों के हकों उन तक पहुंचाने हैं, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि एक synchronized collective program जो है वो बनाया जाए। वो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाए और यूनिसेफ की तरफ से भी बहुत सा फैसिलिटेट किया जाता है कि जो वायलेंस है बच्चों के ख़िलाफ़ उसको ख़त्म किया जा सके दे इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड सरवाइव एंड थ्राइव्स बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द बेसिक इसेंशियल ऑफ लाइफ तो जैसे हमने अर्ज़ किया जब वो चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो तो वो कहते हैं कि हर बच्चे को उसकी तमाम ज़रूरियात मुहैया हों uh, उसकी नर्चरिंग भी Uh, उसकी फूड उसका प्ले फिर उसकी स्कूलिंग उसकी एजुकेशन उसकी हेल्थ और सबसे बढ़कर उसके वालदेन और केयर गिवर्स का साथ ये सारी चीज़ें उसको मिलने चाहिए दे इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन तो जो उनके इदारे हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है ई सी ई के लिए ख़ास तौर पर कि भाई वहाँ उनको सिर्फ तालीम ना दी जाए उनकी केयर भी की जाए उनकी मेंटल सोशल फिजिकल डेवलपमेंट पर भरपूर तवज्जो दी जाए ताकि वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन सकें सो एवरी चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय ऑल काइंड ऑफ वायलेंस तो अब वो जिस तरह की भी वायलेंस है ख्वाब वो घरेलू है डिसिप्लिन वायलेंस है घर की मारपीट है या इधारों के अंदर कोई मारपीट है या इनसे बाहर कोई मारपीट है या किसी तरह की भी कोई अब्यूज़ है कोई गैर जरूरी तौर पर बच्चों को इस्तेमाल करता है तो हर तरह की वायरस जो है उसको रोकना है दे मेक रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रन वेल तो बहुत सी पॉलिसीज तो यूनिसेफ ने खुद से फ्रेम uh, कर ली हैं और उन्होंने सारी दुनिया के मुल्कों को कहा है कि भाई वो अपने अपने मुल्कों में इन पॉलिसीज को अबाइड बाय करें और उनको अपनी एजुकेशनल और जो चाइल्ड केयर पॉलिसीज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं उनमें शामिल करें हम अपने मुल्क में देखते हैं कि बहुत से बच्चे आपको भिकारी भी नजर आते हैं सड़कों पे खड़े हुए या ऐसे बच्चे जो अगवा हो जाते हैं सो उनके लिए हमारे यहाँ भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो मौजूद है लेकिन यूनिसेफ का ख्याल है कि हम ओवरऑल अपनी पूरी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ असूल बनाएं पॉलिसीज बनाएं और बच्चों के खिलाफ जराय करने वालों के लिए सख्त कवानी बनने चाहिए ताकि कोई जरूरत ना कर सके उनको परेशान करने की देन यूनिसेफ प्रोवाइड्स इमरजेंसी ह्यूमानिटेरियन रिस्पॉन्स फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर खुदा न कास्ता बच्चों को कोई नुकसान पहुंच गया किसी भी वजह से क्या उनके घर में या इदारे में या घर से बाहर कहीं भी वो हैं तो और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चा चौक पे अकेला खड़ा है तन्हा खड़ा है उसको लोग किसी भी तरह से परेशान कर सकते हैं तो उन्होंने कहा है कि उसको मदद पहुंचाने का भी एक बड़ा अच्छा निज़ाम होना चाहिए ताकि फौरी तौर पर आपकी कोई टीम्स हों कोई लोग हों जो वहाँ पे पहुँचें और उसको मदद फ्राहम करें और उसको घर या पेरेंट्स के पास पहुँचाया जाए और उसको बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाए सो यूनिसेफ मस्ट सपोर्ट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ना बनाए कि आज के आज बच्चे आपने इकट्ठे कर लिए पकड़ के भी ये ये भिखारी हैं इनको चार चार रुपये दे दो उनको बिठा दो बल्कि उनको मुस्तकिल तौर पर तालीमी इदारों में इन किया जाए उनको माली तौर पर सपोर्ट किया जाए उनके वालदेन को पाबंद बनाया जाए कि वो उनकी तालीम के ऊपर खर्च करें सिर्फ यही नहीं जहां कहीं बच्चे जो है वो वायरस का शिकार हैं वहां पर पहुंच कर लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनके लिए की जाए ताकि एक दो दिन के लिए नहीं कि उनका मसला हल हो गया तो हो गया बल्कि सारी उम्र के लिए उनकी बेहतर तरबियत की प्लानिंग भी की जानी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी किया जाना चाहिए देन फाइनली वर्क फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग अब ये करेगा कौन जब तक आप एक ऐसा खास अमला जिसमें इस भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारे ऑर्गनाइजेशन जो बच्चों की हिफाजत का काम करती हैं वो शामिल हों जिसमें पेरेंट्स शामिल हों तौर पे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा तरबियत की जरूरत होती है और हमारे यहाँ ऐसे इदारे बिल्कुल कम हैं, ना होने के बराबर हैं जो वालदे की आगाही का काम करते हैं कि किस तरह से माओ को ट्रेन किया जाए या पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए कि भी आप अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे कर सकते हैं और तो और हम हमें मीडिया से काम लेना चाहिए ताकि मीडिया इस तरह की कैंपेन्स करें तो फिर हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं पेरेंट्स की इस ऑर्गेनाइजेशन की, की जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों के तहफ़ के लिए काम कर रहे हैं